आता हूँ। मैं मोहम्मद एहसान बोल रहा हूँ सऊदी से। मैं इधर सऊदी आया, मैं इंडिया का हूँ, मैं सऊदी इधर आया। मेरे को अभी 2.5 साल हो गया है और मैं बड़ी गाड़ी के ड्राइवरी में आया था। मेरे को एजेंट लोग ने फंसा के हाउस ड्राइवर का वीज़ा दे दिया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मैं भरोसे के हिसाब से चला आया इधर, इधर आके मैं फंस गया। ये छोटा गाड़ी का वीज़ा दे के हमको फंसा दिया एजेंट लोग। अभी नहीं एजेंट हमारी मदद कर रहे हैं, नहीं यहाँ की एम्बेसी, कोई नहीं कुछ कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा कफिल मारता पीटता है, गाली उली देता है और गलत गलत काम कराता है। नमाज उमाज पढ़ने नहीं जाने देता है, बहुत परेशान करता है। वहाँ से मैं आ गया रियाद केस उस करने के लिए, वो भी हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मेरा पासपोर्ट मेरा कफिल जब्त कर लिया, वो नहीं दे रहा है। बोलता है तू मर जाएगा, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, तेरे को जो करना है कर ले। तो अभी यहाँ से मुझे कोई हेल्प नहीं हो रहा है। मैं इंडिया के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, मेरे को सऊदी से निकाला जाए। मैं अपने इंडिया आना चाहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 0596742770। मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को खाने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं 2-3 महीना से बहुत ही परेशान हूँ, मेरे घर वाले भी परेशान हैं। मेरे को इंडिया गवर्नमेंट हेल्प करे, यहाँ से निकाले। मेरा सऊदी रियाद का है, मैं अभी इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरे पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अभी हमारी इधर कोई मदद नहीं कर रहा है। इंडिया गवर्नमेंट ही हमारी कुछ मदद करे, हमको यहाँ मुसीबत से निकाले।